बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बच्चों की फरमाइश पे तहदार बिरयानी बनाई है। देखते हैं ये कैसी कैसे बनी है और कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी के लिए प्याज काट रहा हूँ। अभी टमाटर काटते हैं बारीक बारीक। अब हम सब्ज मिर्च काटेंगे। अभी हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाएंगे। ये वो मटेरियल है जो बिरयानी में इस्तेमाल होगा। प्याज, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक, चावल, मुर्गी, रंग जर्दा, बिरयानी मसाला और टमाटर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी मैं चूल्हे में आग जलाने लगा हूँ, इसके बाद बिरयानी पकाऊँगा, तहदार बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अंडिया चूल्हे पे रखती है, घी डाल रहा हूँ। प्याज डाल के हिला लें थोड़ा। लहसुन अदरक डालें, इसको थोड़ा ब्राउन होने दें। साथ ही प्याज और लहसुन अदरक तीनों चीज़ें अच्छी ब्राउन हो जाएंगी। प्याज लहसुन अदरक ब्राउन हो गया है, अभी इसमें नमक मिर्च हल्दी डालते हैं। अभी इसको थोड़ा पानी का छटका लगाएंगे, तड़का बन जाए। अभी हम इसमें बिरयानी मसाला और टमाटर डालेंगे। अभी सब्ज़ मिर्च डालेंगे थोड़ी आवाज़। मसाला तैयार हो गया, अभी इसमें हम चिकन डालेंगे। मसाले में चिकन को मिलाएं और फिर इसको ना 10-15 मिनट तक पकने दें।
थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं। अभी इसको ढांप दें, हंडिया पक जाएगी बिरयानी के लिए। थोड़ा सा शोरबा रखना है ताकि दम के वक्त ये सालन अलग अलग रहे। अभी हंडिया उतारता हूँ, इसके बाद चावलों का पानी रखूँगा उबलने के लिए। अभी चावलों का पानी रखने लगा हूँ मैं उबलने के लिए, चावल उबालूँगा। इतना दे दें पानी उबलने के बाद, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे चावल उबालने के लिए। पानी उबल गया है, इसका ढकना उतारें और इसमें ना एक चम्मच नमक डाल दें, डेढ़ चम्मच हो गया। इसके साथ ही चावल डालें। चावलों को हिला लें ताकि नीचे ना बैठें। चावल उबल गए हैं, अभी इनको मैं निचोड़ने लगा हूँ। इनका पानी निकालो। चावलों को दम देना है इनको ना, एक तह मुर्गी की एक तह चावलों की। थोड़ा इसमें रंग जर्दा डालेंगे ताकि ये चावल ना तेज़दार बिरयानी रंग बिरंगी बन जाए। इसके ऊपर अभी ढकना दें। चावलों को दम दे दिया है, बस पानी गिलास। अभी बिरयानी तैयार है, इसका दम निकालते हैं। ये तैदार बिरयानी बनी है, खाने देखते हैं, खाते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। रहमान रहीम। हाँ कामरान और उस्मान, कैसी बनी है बिरयानी? अच्छी बनी, बहुत मजेदार कह रहे हैं बच्चे बनी है।